हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम प्री क्योर के फोर्थ सेशन में हैं ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आज के हम इस प्री क्योर में एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो दीज आर द करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, इंडेक्स है, इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, आप ले लीजिए, या फिर आप इसको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी मान सकते हैं। सो बेसिकली USA में देयर इज़ वन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, राइट? नाउ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गाइडलाइंस टू द पावर प्लांट्स। ठीक है, अब USEPA जो है उन्होंने नई गाइडलाइंस इशू करी हैं, और ये जो गाइडलाइंस हैं इनको हम ACE के नाम से आप जानते हैं, दैट इज़ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी रूल। ठीक है, अब ये जो गाइडलाइंस हैं दे हैव रिप्लेस्ड द क्लीन पावर प्लान। जो ये क्लीन पावर प्लान था ये बराक ओबामा के टाइम की गाइडलाइंस थी, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ACE नाउ। ठीक है, अब ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं दे हैव डाइल्यूटेड द CPP ऑफ द बराक ओबामा एरा। ठीक है, CPP को डाइल्यूट कर दिया है ACE ने, जो कि अभी इंट्रोड्यूस की गई हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सिंस दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, द EPA सेज दैट ये जो इमिशंस हैं उनको कट करेंगी, और उनको जल्दी कट करेंगी जितना कि CPP नहीं कर पाता। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द फैक्ट दैट देर इज़ अ प्रो, देर आर प्रोज एंड देर आर कॉन्स। तो क्रिटिक्स कहेंगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है वो कहेंगे कि ये ठीक है। बट अगर हम ये देखें कि इंट्रोड्यूस क्यों किए गए हैं, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कट डाउन द CO2 emissions फ्रॉम द थर्मल पावर जनरेटर्स। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अब अमेरिकन स्टेट्स नाउ विल गेट टू सेट देयर ओन गाइडलाइंस। जो अमेरिकन स्टेट्स हैं वो अपनी गाइडलाइंस खुद सेट करेंगी टू कीप इन चेक emission फ्रॉम द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू ACE रूल। ठीक है, सो पहले अमेरिकन स्टेट्स को दे वर नॉट हैविंग दिस पावर, दे विल सेट देयर ओन गाइडलाइंस नाउ। तो जो एग्जिस्टिंग कोल पावर प्लांट्स हैं दे कैन नाउ कंटिन्यू टू ऑपरेट एज दे वर, दे वुड नॉट बी फोर्स टू मीट द रेगुलेशंस। ठीक है, उनको अब रेगुलेशंस मीट करने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन सेट देयर ओन गाइडलाइंस। ठीक है, देखो USA जो है इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली द बिगेस्ट एमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और अभी दो चाइना हैज़ ओवरटेकन USA। चाइना पहले नंबर पे है, USA दूसरे नंबर पे आ गया है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो USA हैज़ बीन नंबर वन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वाई इज सी द CPP जो पुराने वाला था दैट फोर्स्ड द कंपनीज टू स्विच टू ग्रीनर पावर सोर्सेस। तो ऑब्वियसली अगर कोई रूल फोर्स करेगा तो वो रिस्ट्रिक्टिव माना जाएगा, है ना, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो। तो जो ACE है वो कहता है कि आप खुद यू नो रेगुलेशंस सेट करो, एंड इट गिव स्टेट्स द रेगुलेटरी सर्टेनिटी दे नीड टू कंटिन्यू टू रिड्यूस इमिशंस। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ डिपेंडेबल डाइवर्स सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट द अमेरिकन्स कैन अफोर्ड। तो इसका पॉइंट ये है कि जो अब सिंस जो स्टेट्स हैं वो खुद रेगुलेशन सेट करेंगे, तो वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। पहले तो क्या था, आपको इमिशंस कट करनी है। ठीक है, आपको CO2 इमिशंस कट करनी है, तो आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस करोगे। अगर आप कम प्रोड्यूस करोगे फिर वो अफोर्डेबल नहीं रहेगी। अब क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनके पास खुद के पास रेगुलेशन है, उनके पास खुद के पास पावर है कि वो कितनी कम करें इमिशंस, है ना, तो दे विल प्रोवाइड विद यू नो मोर इलेक्ट्रिसिटी विच वुड बी डिपेंडेबल एंड अफोर्डेबल फॉर द अमेरिकन्स। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ACE है इवेंचुअली आउटपेस कर देगा तो CPP को। CPP वाज एमिंग टू कट द पावर सेक्टर इमिशंस बाय 30% बिलो द 2005 लेवल्स बाय 2030। ACE क्या करेगा, CO2 इमिशंस को 35% से कम कर देगा, अनलाइक 30% ऑफ CPP। तो अगर आप इसको
समराइज़ करो तो जो CPP था और जो ACE है, एक तो यही वाला पॉइंट कि ये 35% तक रिड्यूस करेगा, ये 30%, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टिव माना जाता था, ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं माना जाता क्योंकि अमेरिकन स्टेट्स दे कैन नाउ सेट देयर ओन रेगुलेशंस, ठीक है. सो इस वजह से क्या होगा, जो अमेरिकन हैं दे कैन गेट मोर अफोर्डेबल पावर सप्लाई, ठीक है, एंड यू नो कंटिन्यूस डिपेंडेबल पावर सप्लाई, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट हैज़ बीन देयर एंड CPP हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड विद ACE एंड दिस हैज़ बीन डन बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ USA, ठीक है. सो दिस वॉज दिस करेंट अफेयर्स. सो मेनली आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, CPP क्या है, ACE क्या है, और हिस्टोरिकली सबसे बड़ा इमिटर USA रहा है और अभी भी USA सेकेंड नंबर पर ही है, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ऑल दोज थिंग्स यू शुड एक्चुअली नो. देन द नेक्स्ट करेंट अफेयर इज़ रिगार्डिंग द पॉल्यूशन. सो अब इसमें अगर हम पहला देखें तो बिहार इज़ बिकम्स वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स टू बैन ट्री फेलिंग. जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है उसने रिसेंटली पेड़ों को काटने पे बैन लगा दिया है और उसके जो कारण है वो ये बताए गए हैं, पोल्यूशन और हीट वेव, ठीक है. अब ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड बट दे कैन बी फेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ ए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इन बिहार, ठीक है. सो ये था कि जो ट्रीज ऑन प्राइवेट लैंड हैं दे हाउएवर कैन बी फेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ ए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इन बिहार, ठीक है. सो प्राइवेट लैंड पे अभी भी जो पेड़ हैं आप उनको काट सकते हो क्योंकि वी डोंट हैव अ ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इन बिहार, लेकिन बाकी जगहों पे जो गवर्नमेंट है उसने बैन लगा दिया है ऑन द फेलिंग ऑफ ट्रीज. नाउ द करेंट ऑर्डर वॉज पास्ड अंडर द फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट. तो अभी जो भी परमिशंस दी गई थी पेड़ों को काटने के लिए फॉर एनी डेवलपमेंट वर्क, दे हैव बीन सस्पेंडेड, दे हैव बिकम नल एंड वॉइड, राइट. सो वॉट आर द रीजन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन. अब देखो गवर्नमेंट ने बोला है, एक तो पॉल्यूशन बढ़ रहा था स्टेट्स इन द स्टेट ऑफ बिहार इन द सिटीज़ लाइक पटना, गया, भागलपुर, ठीक है, और दूसरा रीज़न था सिवेयर हीट वेव. अब बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पेड़ होते हैं तो एटलीस्ट कुछ जो हीट वेव का इफेक्ट है वो कुछ कम हो जाता है या इतनी सिवेयर नहीं होती हीट वेव जहाँ पे पेड़ होते हैं. यू कैन ऑल्सो योर सेल्फ फील कि कुछ ठंडा रहता है वहाँ पे, ठंडक मिलती है आपको. तो क्योंकि इतने पेड़ कट चुके हैं तो हीट वेव ज़्यादा सिवेयर होगी एंड इट हैज़ किल्ड सो मैनी पीपल ऑलरेडी, ठीक है. सो द गवर्नमेंट्स डिसीजन कुड हैव बीन अ रिएक्शन, ऑल्सो इट कुड हैव बीन अ रिएक्शन टू इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ बिग ओल्ड ट्रीज इन द कैपिटल ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है. सो देर आर वेरियस रीजन्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स आर द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड हीट वेव. तो ना अब ये जो, या तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने ऐसा किया है, या आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो कि यू कैन एक्चुअली गिव द एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार कि उसने कैसे ट्री फेलिंग पे बैन लगा दिया इन लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड द सिवियर हीट वेव द स्टेट वॉज विटनेसिंग, ठीक है. एंड अदर स्टेट्स कैन यू नो एग्जाम्प्लीफाई इट एंड फॉलो सूट. देन चेंजेस क्या हैं, एनीबडी हु वुड नाउ वॉन्ट टू रिमूव अ ट्री फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वुड हैव टू ट्रांसलोकेट इट, ठीक है, उसको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा. इंजीनियर्स हैव बीन आस्क्ड नॉट टू कट ट्रीज बाय बिल्डिंग और एक्सपैंडिंग रोड्स, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड देयर डिसप्लेजर ओवर द फिलिंग रूट्स ऑफ ट्रीज विद कॉन्क्रीट्स ऑन रोड्स. तो जैसे पेड़ जो साइडों पे लगे होते हैं रोड के, तो उसके कई कई बार तो उसके रूट्स आर फिल्ड विद सीमेंट, है ना, या कॉन्क्रीट, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डैमेज पहुँचता है पेड़ों को, ठीक है. सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन स्टॉप्ड, राइट. So this was regarding the felling of the trees in Bihar has been banned in light of increasing pollution and severe heat wave. Then the next is that there has been a study by the Center for Science and Environment, and according to this study, the ozone pollution in Delhi has become worse. Okay. So Delhi. In people in Delhi faced more days with average ozone levels spiking over the national air quality limits in 2019, according to an analysis by CSE, and it is also attributed to the intense heat waves. So basically, इसमें ये बताया गया है कि जो number of days हैं जिसमें ozone का level average जो level है उससे बड़ा है, वो जो number of days हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है.
इन 2019 कंपेयर टू लास्ट ईयर. सो लेट्स से अगर एवरेज जो लेवल है ओजोन का वो है 100, ठीक है, माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. दिस इज़ द एवरेज लेवल. तो इसका अगर नंबर बढ़ गया 105, 108, तो ये जो दिन है जहाँ जहाँ पे एवरेज नंबर बढ़ा है वो दिन बढ़ गए हैं, ठीक है, कंपेयर टू द लास्ट ईयर. उसके बाद द नेशनल कैपिटल विटनेस 122 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ ओजोन पोल्यूशन, विच इज़ 1.22 टाइम्स हायर, ठीक है, क्योंकि एवरेज इतना है, ठीक है. ड्यूरिंग 2018 इट हैड गॉन अप टू 106, ठीक है. और उसके बाद जो एक तो नंबर ऑफ डेज हैव इंक्रीज्ड और जो मैक्सिमम गया है वो भी इस साल 1.22 है. लास्ट ईयर इट वाज 106, ठीक है, या आप कह लो कि 1.1 टाइम्स ज़्यादा था, ठीक है. सो इवन द एब्सोल्यूट अमाउंट हैज़ इंक्रीज्ड एंड जो नंबर ऑफ डेज हैं वो भी बढ़ गए हैं. ओजोन अलॉन्ग विद पार्टिकुलेट मैटर रिमेन द डोमिनेंट पल्यूटेंट ऑफ द डे फॉर 28 डेज. इन कंपेरिजन द पल्यूटेंट वॉज द हाइएस्ट फॉर 17 डेज, राइट. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट द नंबर ऑफ डेज हैव इंक्रीज्ड और जो नंबर है, ठीक है, वो भी बढ़ गया है फ्रॉम 106 टू 122, राइट, वेर द एवरेज इतना इससे कम होना चाहिए, 100 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, लेकिन अब बढ़ गया है. सो अब इफ़ेक्ट्स में देखें, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. ओजोन इज़ अ हाईली रिएक्टिव गैस और इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन दोज विच आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस. तो जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं लंग्स की, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये और भी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, ठीक है. उसके बाद अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ओजोन इज़ नॉट डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ओजोन नहीं इमिट होता है, ये बनता है, ठीक है. ओजोन इज़ फॉर्म्ड, इसको आप ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं. तो ये जो ओजोन है दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इमिशंस फ्रॉम द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, टू फॉर्म ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. सो व्हेन द इमिशंस आर गोइंग टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. सो टू कर्व दिस गवर्नमेंट मस्ट कीप रियल वर्ल्ड इमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स लो एंड यू नो इट दे शुड एक्चुअली इंक्रीज द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दे शुड मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, देन स्केल अप द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स शुड बी कन्वीनियंट, दे शुड बी अफोर्डेबल, दे शुड बी रिलायबल, ठीक है. तो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पहले तो सपोज़ आपको ए से बी पॉइंट में जाना है तो उसके बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और ये नहीं है कि एक टाइम पे 9 बजे आ गया फिर हर घंटे में आ रहा है. सपोज़ ए से बी जा रहा है हर घंटे में तो 9 बजे आ गया, 10 बजे नहीं आया. सो इट शुड बी रिलायबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. सो दैट शुड बी देयर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. ऑब्वियसली देन पीपल विल नॉट यूज़ देयर प्राइवेट व्हीकल्स and that would actually lead to decrease in the emissions a lot. Then they should initiate more pedestrian and cycling friendly compact and accessible development, कि cycling भी हो सके और लोग पैदल भी चल सके. लेकिन हमारे देश में थोड़ा जो you know weather है थोड़ा oppressive है, तो लोग पैदल और cycling तो नहीं करेंगे, they would not do that. So we need to have good public transport system. Then introduce city wide parking management and pricing and low emission zones to restrain use of personal vehicles. So you can actually make certain zones as low emission zones जहाँ पे पर्सनल व्हीकल्स अलाउड नहीं होते. जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट में ही आप एक ई रिक्शा ले लेते हो इन केस यू वांट टू मूव अराउंड और यू कैन वॉक, बट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है. और इमिशंस जो इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं अगर हम उसको भी कंट्रोल करें. सो दीज आर सर्टन मेजर्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक एंड अगेन दे कुड हेल्प यू इन योर मेन्स आंसर्स, राइट, ओके. देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अमंग्स वर्ल्ड्स वर्स्ट पोल्यूटर्स आसियान वाउस टू टैकल ओशन वेस्ट, राइट. सो आसियान इज पुशिंग फॉर अ डील to fight the maritime debris, ठीक है. So basically there is maritime debris, there is
lot of plastic pollution in the oceans. Even the G20 were pushing for it. Okay, even the ASEAN is now pushing for it. So it is said that just 5 Asian countries, you know, China, Indonesia, Philippines, Vietnam and Thailand, ASEAN is a group of 10 countries. And usme se, you know, kuch countries hain, kuch countries ASEAN ki, and China is not a part of ASEAN. Okay, and the other countries. So these Asian countries, they dump more than half of the 8 million tons of plastic waste that end up in the oceans every year, right? So aadhe se zyada ye 5 countries responsible hain, theek hai? And this is according to an ocean conservancy report, theek hai? Ab but ye jo region hai ye zyada nahi karti kuch, theek hai? Now ASEAN ke jo leaders hain, they have, you know, they are expected to sign Bangkok declaration, but you know, ASEAN does not have China, but China is amongst the 5 countries which are responsible for contributing to more than half of the 8 billion tons of plastic waste that lands up in oceans every year, right? So ye aap please note kariye is baat ko. Baki jo 5 hain wo baki 5 mein se jo 4 hain, these 4 are part of ASEAN, but China is not, but it is responsible for this, theek hai? But the ASEAN leaders, they have decided to sign Bangkok declaration on fighting the maritime waste, which is the first of its kind, and it will prevent, and not only prevent but also reduce the marine debris. Matlab it will prevent and reduce the marine debris from reaching the oceans. Okay, but the activists or the critics are worried that this is not enough, kyunki agreement mein na koi penalties nahi hai. Okay, so the agreement omits penalties for the worst offending companies or countries and fails to specify measures to tackle the problem. ठीक है, उसके बाद production process पे अगर नहीं रोक पाए हम plastic को, तो again Bangkok declaration will not succeed. ठीक है, उसके बाद in addition to spewing out billions of tons of trash, जो ये countries हैं ना, ये import भी करती हैं trash को, जो ये plastic trash है from US and Canada. तो ये भी कहा जा रहा है कि you should stop importing the waste from countries, from these countries like USA and Canada. ठीक है, एक तो आपको उसको import करना बंद करना है, and you need to work on the Bangkok declaration ताकि educate penalties हों. ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करनी. सो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि फिलीपींस में, जैसे आपने देखा होगा आजकल मीम्स भी बहुत चल रहे हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक मिलता है, नॉट ओनली इन दी ओशंस बट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लॉट ऑफ मेरीन एनिमल्स. ठीक है, सो यू हैव प्लास्टिक लेड इन वियतनाम बीचेस और वेल्स और टर्टल्स, यू नो, चोकिंग ऑन द प्लास्टिक डिब्री. दे हैव ग्रैप दी ग्लोबल हेडलाइंस एंड एवरी यू नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द सेम. So, you know, a lot needs to be done, and ASEAN bhi usme proceed kar raha hai. So they are also, you know, signing this Bangkok declaration to fight maritime waste, but obviously kuch issues hain, but they can be resolved. ठीक है, उसके बाद ये भी है कि सम प्राइवेट फर्म्स इन थाईलैंड एंड वियतनाम, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड रिप्लेसिंग द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विद रिसाइक्लेबल, बट दैट इज, बट दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट को भी करना चाहिए. दे शुड नॉट यू नो इम्पोर्ट द वेस्ट फ्रॉम USA एंड कैनेडा एंड देन जस्ट डंप इट इन द ओशंस, राइट? So that is about this. Then the other is a device to trap ocean plastic waste has been relaunched. So it is a device which has been prepared by the Ocean Cleanup Project. So they they launched this device last year, but due to the waves and everything, so jo device thi wo it couldn't work. ठीक है, so they have relaunched it, they have redeployed it in a second attempt to clean up an island of trash swirling in the Pacific Ocean between California and Hawaii, right? So ये जो device है, it is you know U-shaped and it is a floating device and it is powered with solar energy, camera, sensor, सब कुछ है इसमें, and it intends to communicate its position in real time, allowing a support vessel to fish out the collected plastic every few months and transport it to dry land. तो ये जो भी U-shaped you know device है, ये अपना जो plastic है उसको collect करेगी, ठीक है, trap करेगी, और उसके बाद फिर एक vessel आके इसमें से plastic को remove कर लेगी, and तो जो vessel होगी वो transport कर देगी dry land में. ठीक है, so that is how it is supposed to work. So it is intended to act like a coastline, trapping some 1.8 trillion pieces of plastic that
दैट साइंटिस्ट एस्टिमेट आर स्वर्लिंग इन द पैच, ठीक है, जो इसके बीच में है, जिसको हम यू नो दिस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से भी जानते हैं. सो उसमें से इट विल रिमूव, ठीक है, वाइल अलाउइंग द मरीन लाइफ टू सेफली स्विम बीनीथ इट. ठीक है, तो ये जो हमारी डिवाइस है, ये एक तो प्लास्टिक को रिमूव करेगी एंड इट विल ऑल्सो अलाउ द मरीन लाइफ टू सेफली swim beneath it. So it was even launched before, but due to the waves and everything, it couldn't you know do what it intended to. Aur abhi isko relaunch kiya gaya hai from ocean by the ocean cleanup project, and the organizers, they are you know they are very optimistic about it, right? Okay, so that was about this. Then moving to the next topic. So we have covered about energy, we have covered about pollution. Now we will discuss about the biodiversity. ठीक है, सो जो पहला हमारा आर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी पे, दैट इज इंडियन टर्टल सॉरी इंडियन टेम्पल नर्चर्स एन एक्सटिंक्ट टर्टल बैक टू लाइफ. तो एक इंडियन टेम्पल था असम में, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट टेम्पल, हायाग्रीवा माधव टेम्पल. तो इन्होंने क्या किया, एक टर्टल था, सो दिस टर्टल, दिस इज़ ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, सो दिस ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बाय द IUCN. ठीक है, सो ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल एंड बिकॉज ऑफ द यू नो द फैक्ट के यू नो जो ये टर्टल था, इट वॉज कंसिडर टू बी अ री इनकारनेशन ऑफ हिंदू डेटी विष्णु. ठीक है, इस टर्टल को एक तरह से विष्णु का अवतार माना जाता था, तो उस वजह से ये टर्टल हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस्ड बैक इन टू द वाइल्ड. ठीक है, सो वॉट इज़ द पॉइंट, इज द पॉइंट इज दैट द टेम्पल हैज़ हेल्प्ड टू नर्चर अ स्पीशीज बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन टू द वाइल्ड. ठीक है, कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं था, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट था. वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने का मतलब है कि सिर्फ जो प्रोटेक्टेड जगहें हैं जहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है वहीं आपको मिलेगा. ठीक है, और इसीलिए उसको प्रोटेक्टेड जगहों में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही कम नंबर्स रह गए हैं. तो इफ़ यू विल लीव द स्पीशीज इन द वाइल्ड, तो इट माइट नॉट सर्वाइव एंड बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो जब बहुत ही कम नंबर्स रह जाते हैं, सो दैट इज़ डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. लेकिन बिकॉज ऑफ द टेम्पल, सो दिस ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड 17 ईयर्स अगो बाय द IUCN, बट हायाग्रीवा माधव टेम्पल इन असम, दे विच बिलीव्ड दिस टर्टल टू बी अ री इनकारनेशन ऑफ हिंदू डेटी विष्णु, एंड दे हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड री इंट्रोड्यूस्ड बैक इन टू द वाइल्ड. ठीक है, गिवन देयर अब सिंस इट पॉन्ड में मिलते हैं ये आपको, है ना, तो अभी जो साइंटिस्ट है ना उनको कंप्लीट एक्सेस नहीं मिला है इन पॉन्ड्स का, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड यू नो स्पेशल और इनका पूरा ध्यान रखा जाता है. सो जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने इसके इसको टू द कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक वेराइटीज की, वही वेराइटी है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये जो है ये हमारी ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल की वेराइटी ही है. तो उस कारण साइंटिस्ट हैड टू कन्फर्म दैट. सो एंड साइंटिस्ट वर नॉट अलाउड द एक्सेस टू दिस दीज पॉन्ड्स, सो दे हैव यूज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्वायरमेंटल DNA. ठीक है, सो और एक अगर हम इन्वायरमेंटल DNA की बात करें, सो इट इज़ द वन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सैम्पल्स. बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, सो दे लिव इन द सॉयल, दे लिव इन द वाटर, तो वहाँ पे कुछ कुछ उनका DNA आपको मिल जाता है. सो अगर आप DNA इंस्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म आप इन्वायरमेंट से ले रहे हो तो उसको eDNA कहते हैं. ठीक है, सो एज द वेरियस ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट, DNA इज एक्सपेल्ड एंड इट अक्यूमुलेट्स इन देयर सराउंडिंग्स. एग्जाम्पल्स ऑफ eDNA इंक्लूड फीसेस, म्यूकस, गैमीट्स, ठीक है, शेड स्किन, कैरकेसिस, हेयर. ठीक है, सो इसलिए ये हो जाते हैं, राइट. सो दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, राइट. तो द पॉइंट इज कि सिंस द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन गिवन एक्सेस टू द इंडिविजुअल्स, दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल DNA टू कन्फर्म कि वही वेराइटीज़ हैं जिनकी वो स्टडी कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, अब इसमें ना टेम्पल्स की वजह से नॉट ओनली दिस ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के अलावा बाकी जो टर्टल्स की वेराइटीज़ थी ना, यू हैड इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल जिसको वनरेबल क्लासीफाई किया गया था
And you had साउथ एशियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल टर्टल लिस्टेड एज इनडेंजर्ड. ठीक है, इनकी भी प्रेजेंस हैज़ बीन यू नो देयर एंड दे आर ऑल्सो बींग प्रोटेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट बाय द टेम्पल. ठीक है, इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. देन इंडिया इज़ होस्टिंग, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ होस्टिंग 28 स्पीशीज ऑफ टर्टल जिसमें से 20 असम में मिलती हैं. ठीक है, लेकिन कंजम्पशन ऑफ टर्टल मीट एंड एग, सिल्ट माइनिंग, इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड चेंज इन फ्लडिंग पैटर्न हैव हैड अ डिजास्ट्रस इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स टर्टल पॉपुलेशन. ठीक है, सो इन रीजंस की वजह से, क्योंकि कंजम्पशन होती है टर्टल्स की और इंक्रोचमेंट ऑफ द वेटलैंड्स, चेंज इन फ्लडिंग पैटर्न की वजह से जो टर्टल पॉपुलेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. सो 70% ऑफ द स्पीशीज विच आर फाउंड इन असम आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, बट द टेम्पल पॉन्ड्स दे हैव मोर टर्टल्स एंड दे कैन सस्टेन. ठीक है, और टेम्पल्स में ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दैट जो एगलिंग स्पेस है वो भी कम है. ठीक है, सो इस वजह से जो टेम्पल टर्टल्स हैं दे आर फेड ऑन नॉन नेचुरल फूड, है ना, विच ऑल्टर्स देयर बायोलॉजी. सो देयर हैज़ टू बी सम कंजर्वेशन ऑल्सो. सो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव्स ऑफ देम बीइंग फाउंड इन द टेम्पल पॉन्ड्स. ठीक है, सो पॉजिटिव्स में है कि एक जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड था दैट हैज़ बीन ब्रॉड बैक. और अगर हम देखें ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल इसलिए इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो इट वॉज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट अभी इसकी स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा इसके नंबर्स मिले हैं वाइल्ड में इन द पॉन्ड and it has been reintroduced to the wild. Okay, due to the temples, right? So that was that. Then the next is regarding the joint effort to conserve wildlife and Bandipur. So Bandipur is, you know, it is in the Nilgiris. Okay, it is a tiger reserve which is found in Karnataka. Okay, abhi National Tiger Conservation Authority, which is a statutory body, has convened an interstate meeting of senior forest personnel for Karnataka, Tamil Nadu and Kerala at Bandipur in Karnataka. ठीक है, अब इन्होंने ये मीटिंग कन्वीन की थी टू डिस्कस वेरियस इश्यूज. ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एट बंतीपुर. सो ये जो इश्यूज थे वो क्या थे, इन्वेजन ऑफ इन्वेसिव प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एरियाज, कि उनको कैसे कम किया जाए. अगर हम इन्वेजन की बात करें ना, सो देयर इज़ दिस वीड, ठीक है, दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ हैवक इन द बंदीपुर. ठीक है, दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ हैवक इन द नीलगिरी. ठीक है, अगर आप ये देखो ना, सेना स्पेक्टाबिलिस, ठीक है, ये एक इन्वेसिव प्लांट था. ठीक है, अब इसने काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में. सो इसकी भी बात की जा रही है कि इसको कैसे इराडिकेट किया जाए. ठीक है, देन स्टेप्स आर टेकन टू शुड बी टेकन बाय द अथॉरिटीज फॉर द वल्चर कंजर्वेशन, देन मूवमेंट ऑफ द रेडियो कॉलर्ड हायर मैमल्स सच एज टाइगर एंड एलिफेंट्स एंड टू मिटिगेट द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. सो दीज आर द एरियाज वेयर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड. इसमें अगर हम प्रिलिम्स के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो ये एक हो सकता है इन्वेसिव स्पीशीज़ है. ठीक है, इसको इराडिकेट करना है. Then standard operating procedures of the NTCA, जिसमें joint patrolling आती है, shear enforcement related information that should be executed effectively for the conservation of big cats, which include the tigers. ठीक है, उसके बाद joint conservation measures with public participation should also be taken. ठीक है, कि लोगों की भी participation लेकर आओ ताकि जो human wildlife conflict है वो कम हो सके, especially on the fringes. Fringes होते हैं जो boundaries होती हैं वहाँ पर. ठीक है, एंड देन जॉइंट एक्शन शुड ऑल्सो बी टेकन टू डाउज द फॉरेस्ट फायर्स एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिशियल्स. ठीक है, जैसे आपको पता है बंदीपुर में देयर वाज आल्सो फायर इन फेब्रुअरी दिस ईयर. ठीक है, तो उसको भी कैसे रोका जाए, फॉरेस्ट फायर्स को कैसे रोका जाए. देन इन्फॉर्मेशन ऑन एक्यूज्ड इन फॉरेस्ट केसेस शुड ऑल्सो बी एक्सचेंज्ड विद ईच अदर टू अवॉइड द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स. ठीक है, सो देयर हैव बीन एफर्ट्स टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड बंदीपुर. सो यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, राइट. ओके, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे. सो हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ट्वाइस एज फास्ट सिंस 2000. सो दिस हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू अ स्टडी. ठीक है, अब ये स्टडी कैसे हुई है, सो कोल्ड वॉर एरा था जो हमारा. ठीक है, उस टाइम पे ना सैटेलाइट्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू द स्पेस, तो उससे डेटा यूज़ कर रहे हैं हम. एंड वी आर यू नो वी हैव फाउंड आउट दैट हिमालयन ग्लेशियर्स हैव लॉस्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ देयर आइस मास सिंस 1975.
ठीक है, वाटर दे हैव लॉस्ट, जितनी भी आइस थी उसमें से 1/4 दे हैव लॉस्ट, और जो मेल्टिंग है वो ट्वाइस एज फास्ट हो रही है आफ्टर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, दैट इज ये जो हमारा 2000 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ट्वाइस हो रही है एज द टेम्परेचर्स दे राइज. ठीक है, सो इन द 1970s, ठीक है, एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, USA ने ना स्पाई सैटेलाइट्स डिप्लॉय की थी दैट ऑर्बिटेड द ग्लोब एंड टुक थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स यूजिंग अ टेलीस्कोपिक कैमरा सिस्टम फॉर रिकॉनिसेंस पर्पसेस. ठीक है, अब फिल्म रिकवरी कैप्सूल्स दे वुड बी इजेक्टेड फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स. ठीक है, ऑब्वियसली वो पिक्चर्स लेता था सैटेलाइट, अर्थ के चारों तरफ घूम के उसने पिक्चर्स ली. अब फिर यहाँ से जो फिल्म्स हैं वो क्या होती थी, दे वर पैराशूटेड बैक ऑन टू द अर्थ इन द पैसिफिक ओशन. ठीक है, अब ये जो इमेजेस हैं ये साइंटिस्ट ने निकाली एंड दे हैव यूज्ड देम टू शो के कितना ज़्यादा डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑन द हिमालयन ग्लेशियर्स. ठीक है, सो इसमें ये बताया गया है कि जो ऑब्जर्व्ड एनुअल मास लॉसेस दैट द टोटल आइस मास विच वॉज प्रेजेंट इन 1975 अबाउट 87 इज वॉज देयर इन 2000. ठीक है, सो जितना भी 1975 में था उसका सिर्फ 87% रह गया 2000 में और उसका 72% रह गया 2016 में. ठीक है, और सिमिलर मास लॉस रेट्स अक्रॉस सब रीजन्स एंड अ डबलिंग ऑफ द एवरेज रेट ऑफ लॉस, और जो लॉस 2000 से 2016 में हुआ है वो ट्वाइस है जो इस पीरियड में हुआ है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस सेंचुरी ऑनवर्ड्स 2000 ऑनवर्ड्स द एक तो क्वार्टर सॉरी नॉट क्वार्टर बट यू हैव द लॉस हैज डबल्ड एंड यू हैव लॉस्ट अबाउट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द आइस मास. ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है. और इसने ये बताया है कि जो इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर का, ऑब्वियसली दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेटिंग लॉस, एंड सिंस जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है सो दिस लॉस वुड ऑल्सो इंक्रीज, एंड इट इज़ सेइंग दैट एवरेज इंक्रीज़ ऑफ 1 degree Celsius सिंस 2000 हैज़ डबल्ड द यू नो हिमालयन ग्लेशियर लॉस. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. उसके बाद एक तो ये है क्लाइमेट चेंज में, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग ट्वाइस एज फास्ट एंड दिस हैज़ बीन बिकॉज विद द हेल्प ऑफ अ स्पाई सैटेलाइट. ठीक है, विच वाज यू नो लॉन्च्ड बाय द यूएस बैक इन 1975, तो उसकी पिक्चर से साइंटिस्ट हैव कम टू दिस कंक्लूजन. और उसके बाद क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. ठीक है, अब इसमें ना इट इज़ अ स्टडी बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द यूएस, तो उन्होंने बोला कि इंडिया में 5 मेजर क्रॉप्स हैं, फिंगर मिलेट, मेज, पर्ल मिलेट, सॉर्गम एंड राइस, और इस 5 में से सिर्फ राइस है, ठीक है, विच इज़ एक्सपीरियंसिंग लार्जर डिक्लाइंस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. तो वो ये कह रहे हैं कि राइस पे जो इफेक्ट है of the weather conditions वो adverse है, ज़्यादा है compared to the other crops. जो other crops हैं they are more drought resistant और उनकी जो yield है वो इतनी कम नहीं हुई है जितनी rice की हुई है. तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि क्योंकि rice की yield कम हो रही है, एक तो आप area ले ज़्यादा लेकर ले आओ rice के under, ठीक है, ताकि yield अगर कम भी हो जाए तो जो net yield है वो उतनी ही रहे, और दूसरा है कि आप diversify करो, आप और crops को लगाओ ताकि हमारी जो dependency है हमारी country की on rice वो कम हो. ओके, सो इंडियाज ग्रेन प्रोडक्शन इज़ वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड विद द यील्ड ऑफ कंट्रीज राइस क्रॉप्स सिग्निफिकेंटली डिक्लाइनिंग. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये 5 क्रॉप्स दे मेकअप वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन जून टू सेप्टेम्बर, दैट इज़ इंडियाज मेन ग्रेन प्रोडक्शन पीरियड, और राइस 3/4 ऑफ द सप्लाई है फॉर द सीजन. ठीक है, तो 5 में से जो 3/4 है वो राइस है. ठीक है, एंड दे आर असेंशियल फॉर मीटिंग इंडियाज़ न्यूट्रिशनल नीड्स. अब ये जो स्टडी है इट वॉज यू नो डन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन दिस जनरल इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स, एंड इट फाउंड आउट कि जो बाकी है ना मिलेट्स हैं, सॉर्गम है, मेस है, मतलब बाकी एक्सेप्ट राइस, दे आर मोर रिजिलियंट, उनकी जो ईल्ड्स हैं वो इतनी वेरी नहीं करती बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जितनी कि राइस की करती हैं. राइस एक्सपीरियंसेस लार्जर डिक्लाइन ड्यूरिंग द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, राइट. और ये कह रहे हैं कि अगर हम रिलाई करेंगे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप पे तो द फूड सप्लाई इज़ पोटेंशियली वनरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ वेरिंग क्लाइमेट. ठीक है, सो एक्सपैंडिंग द एरिया प्लांटेड विद दीज 4 ऑल्टरनेटिव ग्रेन्स कैन रिड्यूस वेरिएशंस इन इंडियन ग्रेन प्रोडक्शन कॉज बाई एक्सट्रीम क्लाइमेट. कि आप अगर बाकी जो ये ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं अगर आप इनको ज़्यादा उगाओगे तो ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से जो ईल्ड कम हो रही है वो इतनी नहीं होगी. ठीक है, सो डूइंग सो विल मीन दैट फूड सप्लाई इज़ नॉट जेपरडाइज्ड. ठीक है,
एंड सो ऑल्सो टेम्परेचर और रेनफॉल अमाउंट्स से वेरी ईयर टू ईयर एंड दे इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ क्रॉप्स दैट द फार्मर्स आर ग्रोइंग एंड इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, बिकॉज विद द एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज ड्रॉट एंड स्टॉर्म्स बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट, इट इज एसेंशियल टू फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट इंडियाज क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम दीज शॉक्स. ठीक है, उसके बाद अगर ये जो स्टडी है इसके बारे में देखा जाए, सो इट हैज़ कम्बाइंड द हिस्टोरिकल डेटा ऑन द क्रॉप ईल्ड्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. ठीक है, सो दे हैव यूज्ड मॉडल डेटा ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑल्सो एंड दे हैव कंडक्टेड दिस स्टडी यूजिंग दीज मॉडलिंग अप्रोच. ठीक है, सो दे हैव यूज्ड अ मॉडलिंग अप्रोच टू डिटरमाइन वेदर देर वॉज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन क्लाइमेट एंड क्रॉप ईल्ड्स. ठीक है, उसके बाद द स्टडी शोज दैट डाइवर्सिफाइंग द क्रॉप्स दैट अ कंट्री ग्रोस कैन बी एन इफेक्टिव वे टू अडेप्ट, है ना. ऑब्वियसली कि अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे और नॉट अभी जैसे हम देखें 3/4 राइस पे डिपेंडेंसी है तो हमें उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो दैट इज़ देयर. और ये भी कहा गया है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव ग्रेन्स की तरफ जाएंगे जैसे सॉर्गम मेज़ की तरफ या मिलेट्स की तरफ, तो वो एक तो न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, उसके बाद राइस टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर वुड बी सेव्ड, इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द एनर्जी डिमांड. ठीक है, क्योंकि वाटर को अगर आप ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हो दैट नीड्स एनर्जी, वो भी कम होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगी. ठीक है, तो ये एडेड बेनिफिट्स हैं ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स, राइट. और दूसरी चीज़ यह है कि राइस की ईल्ड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज कैन ट्रिप द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ऑन रूट SDGs. ठीक है, UN की एक स्टडी है वो ये कह रही है, UN की जो स्टडी आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के नाम से, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा और डिटेल में इसके जो फाइंडिंग्स हैं, तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं दे मे नॉट बी एबल टू अचीव द SDGs. क्योंकि ये जो स्टडी है, ये जो रिपोर्ट है, ये की कहती है कि जो SIDs हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, एक तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग फास्ट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड दूसरी चीज़, दे आर मोर प्रोन टू द रिस्क. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड मोर प्रोन टू द क्लाइमेट रिस्क, दे वुड नॉट बी एबल टू अचीव द SDGs बाय 2030. ठीक है, सो दैट इज़ द वट इज़ दिस आर्टिकल ऑल अबाउट. सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ कीपिंग ऑल द लीस्ट डेवलपिंग नेशंस फ्रॉम मीटिंग इट्स गोल्स, बट SIDs में ये प्रॉब्लम क्यों कंपाउंड हो जाती है, बिकॉज दीज आर द वंस विच आर मोर वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड सी लेवल राइज. ठीक है, सो दे हैव अ हायर पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज. ठीक है, अगर ग्लोबल एवरेज 1.07 है तो इनकी 2.3% है. ठीक है, तो अब इनकी अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो इनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन इट इज़ ग्रोइंग फास्ट. इट इज़ 71 मिलियन अभी है, इट इज़ सेट टू इंक्रीज टू 78 मिलियन. ठीक है, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट यही बताता है ना कि ऐसे दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, इट विल रीच 8 मिलियन, दैट इट विल पीक एट 8 बिलियन एंड देन इट विल पीक एट 11 बिलियन, है ना. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 71 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इट इज़ ग्रोइंग फास्ट. और इन कंट्रीज़ के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं अगर हम दूसरी कंट्री से इनको कंपेयर करें. ठीक है, सो SIDs दे आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड कंट्रीज दैट टेंड टू शेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग स्मॉल बट दे आर ग्रोइंग पॉपुलेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिमोटनेस, सस्टेनेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स, वनरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, फ्रेजाइल एनवायरमेंट्स. क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल नेशंस. ठीक है, बट कोई भी नेशन इतनी वनरेबल नहीं है जितनी कि ये है. ठीक है, एक तिहाई इनकी जो पॉपुलेशन है वो सी लेवल राइज से वनरेबल है, दैट लिव्स इन लैंड्स दैट आर लेस देन 5 मीटर्स बिलो द सी लेवल. तो इमेजिन अगर सी लेवल थोड़ा सा भी राइज करता है तो ये सब तो डूब जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज़ वाई. सो देर आर टू रीजन्स वाई द SIDs वुड नॉट बी एबल टू अचीव द SDGs. वन इज़ देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द क्लाइमेट चेंज रिस्क. ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो दे कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बट दे वुड बी द फर्स्ट वंस जिनके ऊपर इफेक्ट्स आएंगे ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिशरीज, ऑल द सेक्टर्स दे आर गोइंग टू डिक्लाइन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जॉब्स जाएंगी, लाइवलीहुड्स थ्रेटन होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रेटन होगी, एंड अगेन दे वुड नॉट बी एबल टू
यू नो टेक अप द एसटीजी चैलेंज. उसके बाद टूरिज्म इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन एंड द इम्पैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज़ हैविंग ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ अनडिनाइबल. सो टूरिस्ट आर ऑल्सो डिस्करेज्ड क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म्स बढ़ गए हैं एंड ऑल दैट. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी यू नो फॉर SIDS टाइम्स हैव बिकम रियली डिफ़िकल्ट. ठीक है, सो इफ़ यू सी SIDS के बारे में, सो SIDS जो है ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 57 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. तो इनको तीन पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है, कैरेबियन, पैसिफिक एंड एम्स, अफ्रीकन, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन एंड साउथ चाइना सी. सो दे वर फर्स्ट रिकग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एट द UN यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992. सो बार्बाडोस Program of Action was produced in 1994 to assist them in their sustainable development efforts. Uske baad jo United Nations office tha of higher representative for the least developed countries, landlocked developing countries and SIDS represents this group of states. Theek hai, to 57 island states hai, divided into Caribbean, Pacific and AIIMS. Theek hai, so that is there. Okay. Then the another important news is that four cities from India are there in the top 20 water vulnerable mega cities with Chennai on top. ठीक है, four Indian cities, Chennai, Kolkata, Mumbai and Delhi have been ranked among the top 20 mega cities in the world facing high levels of water scarcity, with the first rank going to China and second to Kolkata. ठीक है, so it was ये जो स्टडी है, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्टडी है. उन्होंने 400 सिटीज़ को इवैल्यूएट करा, ठीक है, विद अ फोकस ऑन मेगा सिटीज़ फेसिंग हाई कंबाइंड लेवल्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, दैट इज़ रीसेंट एंड प्रोजेक्टेड ड्रॉट. चेन्नई हैज़ इमर्ज्ड एट द टॉप पोजिशन फेसिंग द मोस्ट सिवियर वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट इन द वर्ल्ड. कोलकाता इज नॉट रियली फार बिहाइंड, सेकेंड नंबर पे कोलकाता है, उसके बाद मुंबई 11th पे है, दिल्ली 15th पे है. ठीक है, सो ऐसा कहा जाता है कि जो लार्ज सिटीज़ हैं, मोस्टली लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द लार्ज रिवर्स, दे आर वनरेबल बिकॉज ऑफ द वास्टली ओवर एलोकेटेड एंड मिसमैनेज्ड रिवर सिस्टम्स. तो जो रिवर्स हैं, दे आर इनक्रोच्ड अपॉन. ठीक है, सो इस वजह से जो रिवर्स पे लोकेटेड हैं, दे आर मोर वनरेबल. There are frequent droughts and flooding due to climate change, depleting levels of water in the reservoirs. ठीक है, उसके बाद loss of wetlands is one reason. ठीक है, अब world has lost about 35% of the wetlands since 1970 and they are losing them 3 times faster than the forest. ठीक है, this is a very very important point कि आप forest से 3 times ज़्यादा lose कर रहे हो wetlands को, and they are important source of water. ठीक है, अब देखो वेटलैंड्स, जैसे कोलकाता में जो आर्टिकल था उसमें कोलकाता का एग्जांपल दिया गया था, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स का, कि हाफ ऑफ द कोलकाताज वेस्ट वाटर ड्रेन इनटू EKW विदाउट एनी नीड टू ट्रीट द सीवरेज. ठीक है, अब वेटलैंड्स श्रिंक, तो द सिटी एक्टिविस्ट हैव टाइम अगेन साइटेड कि नेचुरल वेस्ट वाटर टैंक लूज हो गया है. ठीक है, अब वेस्ट वाटर गोज इनटू द रिवर. ठीक है, सो पहले किसी ज़माने में इट वॉज सच एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कनाल्स एंड पॉन्ड्स दैट ट्रीटेड द सिटीज़ वेस्ट वाटर, बट किस आपको ट्रीटमेंट प्लांट्स ही नहीं चाहिए थे. नाउ सिंस दे आर श्रिंकिंग एट फास्ट पेस, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट यू डोंट गेट क्लीन वाटर इन द एरियाज़. एंड चेन्नई में तो पानी ही नहीं है, द रिजर्वॉयर्स, द मेजर रिजर्वॉयर्स, दे हैव ड्राइड अप. ठीक है, सो इंडिया हैज़ 4 सिटीज़ इन द लिस्ट ऑफ 20 मेगा सिटीज़ इन द वर्ल्ड फेसिंग मेजर वाटर क्राइसिस. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टूडेज प्रीक्योर. इट वॉज़ अ लॉन्ग वन, बट वी हैव कवर्ड अ नंबर ऑफ करंट अफेयर्स एंड दिस वुड बी हेल्पफुल इन योर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है, सो ये लिस्ट है एंड आई विल अटैच द PDF एंड होप टू सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू.